350 पे कर कर भी हम सब ने शेरशाह मूवी देखी। उस फ्रीडम फाइटर का देश प्रेम देखकर अपने सबका खून गर्म हो गया ना। आइए आप सबको फ्री में एक मूवी दिखाती हूँ जिससे आप सबका स्वयं प्रेम जग जाएगा। तो चलिए कंफर्ट योर ओन सीट, मोबाइल साइलेंट कर देना, कोई बच्चा रोए नहीं, ध्यान रखना। एक परफेक्ट कपल को कई मन्नत पूजा पाठ के बाद एक बेबी गर्ल हुई, पर काश विधाता पूरी बात सुनते। ब्यूटी क्वीन तो नहीं पर अगली क्वीन कह सकते हैं। दिखने में इतनी बदसूरत, लंबे लंबे कान, चप्पा सा नाक, बड़े बड़े होठ, छोटा छोटा हाथ, बस। पर कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। मापा के लिए तो वो राजकुमारी समान, पर जब बात शादी की आई तो सब चिंतित हो गए। इसे कौन अपनी रानी बनाएगा। एक दिन पापा को रोशन मिला। पापा ने उसे पूछा, रोशन तू अब तक कुवारा है क्या, ये ले मेरी बेटी, मुझसे शादी कर ले। एक्चुअली रोशन अंधा था। उसने कहा ओके अंकल। बैंड बाजा के साथ दोनों की शादी हो गई। रोशन वेज दिया, सब कुछ ऑल सेट चल रहा था। उसी बीच एक संत आए। दिया ने दरवाजा खोला और प्रणाम किया, बेटी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी पड़ोसन ने बताया था कि तुम्हारे पति अंधे हैं। हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटियां है जिससे तुम्हारे पति की रोशनी वापस आ जाएगी। लास्ट लाइन सुनते ही पापा दरवाजा की ओर दौड़ते हुए आए और चिल्लाने लगे, तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हो, चलो यहाँ से, काम धंधा कुछ है नहीं। दिया ने कहा, पर पापा। कान में कुछ बम्बेर दिया, ओह बचा दिया पापा अपने आज तो। सोफे पे बैठा रोशन कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह वॉकिंग करते रोशन को पड़ोसी ने पूछा, रोशन कल संत आए थे ना, फिर भी तू अंधा। कौन संत, कब आए थे। समझ गया तारक अंकल, अब इतना तो बताइए संत कहाँ है। रोशन वो अक्सर गांव के छोटे पे होते हैं। ओके ओके अंकल, मैं निकलता हूँ अभी, आपको फिर मिलता हूँ। रोशन भागा उस ओर। संत को मिलते ही उसके चरणों पे गिरा, संत कृपालु है आप, मुझे भी इस दुनिया को देखना है, ये ले बेटा इसलिए अंजन कर देता हूँ तुझे। संत ने अपने हाथों से अंजन कर दिया। फिर तो क्या, बस 2 मिनट में उसे पूरा जग दिखने लग गया। आंखों की कीमत कहते हैं ना, आंखों की कीमत अंधों को पूछो। जब उसकी खुशी का कोई पार नहीं, वह संत के चरणों में गिर पड़ा और पूछा, कोई सेवा भक्ति। संत ने कहा, बस हरि का नाम जपो। बस रोशन अपने घर लौट गया। आज तो मुंह दिखाई रस्म है ना, पहली बार जो दिया को देखेगा वह। दिया ने दरवाजा खोला, अरे ये कौन है, ये कोई नौकरानी तो नहीं, पर हमारे घर पे इस टाइम पे आप कहाँ थे, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे ये तो दिया की आवाज है ना, तुम मेरी पत्नी दिया हो। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, आप कहाँ हो। इसके साथ मैंने अपने सुहाने दिन बिताए, OMG हस्त मिलाप और गठबंधन इसका और मेरा, नेवर एवर, 7 पल भी अब इसके साथ नहीं, 7 जन्मों का नाता क्या, अब तो 7 पल भी इसके साथ नहीं रहूंगा। वह जेल की कैदी के भांति 9-2-11 हो गया। अब बीच में इंटरवल लो, ठीक है, तब तक अपना फोन उठा लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वोटिंग लाइन्स 27 जन तक खुली है। अब सबका स्वागत है लक्ष्य वेद पर। रोशन की तरह हर एक संसारी जीव की ऐसी ही हालत है। लेट मी मेक यू क्रिस्टल क्लियर, दिया वो विषय तृष्णा है। विषय तृष्णा यानी 5 इंद्रियों के अगिनत नीड्स है। उन नीड्स के पीछे अपन पागल हो चुके हैं।
जैसे एक दिन बिना मोबाइल कौन कौन रह सकता है, आपको मोबाइल चाहिए ही, मुंह को कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए ही, बस इस पांच इंद्रियों का पागलपन इस नथिंग बट विषय तृष्णा। रोशन वो संसारी जीव, पापा वो मोह राजा, पड़ोसी व कल्याण मित्र, संत व सदगुरु, औषधि व जिनवानी। रोशन पापा तो हर संसारी जीव को, यानी मोह राजा तो हर संसारी जीव को अंधारे में ही देखना चाहता है। जिस तरह पिता ने दिया और रोशन का मिलाप करवाया, उसी ही तरह मोह राजा वो संसारी जीव और विषय तृष्णा का मिलाप करवाते हैं। बोलो, यहाँ पे संसारी जीव ऐसा कौन नहीं है जो विषय तृष्णा के अंदर घुसा हुआ नहीं है, सभी ही है ना। किस तरह अपन घोड़े पर सवार होकर हजारों लोगों की साक्षी में फटाके फोड़कर शादी करते हैं ना। मोह राजा ने सबके साथ ऐसे बैंड बजाया, कहिए आज तक कौन सी चार कसम विषय तृष्णा ने पाली है। कुमकुम के सात पगलों के साथ विषय तृष्णा को घर पे लेके आते हैं, कहिए अभी भी पगले रखने हैं विषय तृष्णा के घर पे। बिना रोशनी वाले रोशन का जीवन भी डाउन टू द अर्थ होते हुए भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड की तरह चल रहा था, पर शनि को या रवि एक दिन सदगुरु हमारे आंगन आए। मुझे भक्ति योगाचार्य कहते हैं, तुम क्या गुरु की शोध में हो, सदगुरु खुद तुम्हारी शोध में है। बस प्रभु ने सदगुरु को अपॉइंट किया है, तू इसको सद्ज्ञान दे, तू इसको सद्दृष्टि दे। बस सदगुरु औषधि यानी जिनवानी लेकर आते हैं। चातुर्मासिक प्रवेश सामैया को देख मन हो जाता है, यार एक बार तो मैं सबको मिल लेता हूँ, रेजोल्यूशन कर लेते हैं, कल से रोज मैं सबके प्रवचन में जाऊंगा। बट बीच में वापस पापा यानी मोह राजा आ जाते हैं, ये क्या लगा वो रखा है, धर्म वर्म सब बूढ़ों की को सौंपता है, तू छोटी है ये सब बातें नहीं करना, दीक्षा सब दूर की बात है, छोड़ दे ये सब। क्या करूं, लखनऊ ही था, मोह राजा ने सब काम तमाम कर दिया। एक्चुअली मोह राजा तो यही चाहता है, हम सब संसारी जीव को अंधारे में ही देखना चाहता है। सदगुरु ऑपरेशन करे, सदृष्टि का विजन दे, सुपर डुपर क्लियर विजन दे, बट मोह राजा ये करने थोड़ी देगा। पर कहिए मुझे, एक बार रोशनी मिलने के बाद रोशन और दिया के डिवोर्स में कितना टाइम लगेगा। इस उसी तरह ज्ञान वैराग्य को पाने के बाद कितनी वक्त तक आप संसार में रह सकते, कहिए मुझे। देखिए तो सही, वैरागी को एक सेकेंड में संसार को छोड़ दिया, यू लात मार दिया उन्होंने उसको। जिस दिन जिस क्षण ऐसा महसूस हुआ, संबंध वो अनित्य है, लक्ष्मी वो चंचल है, बस उसी दिन से उन्हें ऐसा लग गया कि अब इसमें रहना जैसा नहीं है। छी, मैं कहाँ रह रहा था। जिस तरह रोशन को दिया को देखने के बाद वह एक सेकेंड उसके साथ नहीं रह पाया, उसी तरह संसार का असली स्वरूप जानने के बाद आप में से कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं। श्रेणिक ने अपनी तीर कला का अभिमान किया, अरे आज वो थर्ड नरक में है। लक्ष्मणा ने अपना एक पाप का यथावत प्रायश्चित नहीं किया, 84-84 तक she's gonna die। नहीं प्रभु, बस अब जिनवानी रूपी औषधि ने मेरी आंखें खोल दी है। अरे मोह के सुहावने पिंजरे से मैं बाहर आ चुकी हूँ, स्नेह की बेड़ियों से को अपनी दायो हाथ से तोड़ दिया मैंने। अब क्या कहते हो जी, they are orthodox और भी, they are gentlemen और भी, पांचवी सदी के वैज्ञानिक कौन है, आप या वो।
कुछ कह नहीं पा रहे हो? कुछ नहीं, एक्शन कर लो, धार्मिक ढंग से राज भी हो जाएगा। एक दिन मेरे आंगन सदगुरु फिर आए, आए नहीं पर शायद दादा ने वापस बुलाया। अरे एक बार उपाश्रय की गली की ओर से जा रही थी, फ्रेंड ने कहा सुनना एक बार चलना माई साहब के प्रवचन में, एटॉमिक प्रवचन होता है उनका, मैं तो पागल हो गई उनके पीछे, चलना एक बार। बालक मोर राजा यानी पापा बाहर गए हुए थे, मेरी तो लॉटरी लग गई। सदगुरु ने देखा कैसी बुंडी विषय तृष्णा में गिरी हुई है, पापड़ तो है, रसगुल्ला, डव सोप, टॉमी फील्ड, एक्वाफीना, पर सब व्यर्थ हो जाता है। मल मूत्र विष्टा पसीना के अलावा क्या मिला आपको आज तक? सूत्र के धागे पर लटक रहे हो आप लोग। संबंध अनित्य होने पर भी आज मैं उनको ही सब कुछ मानते हुए चल रही हूं। आयुष्य पत्ते के बूंद समान है, कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं। सदगुरु ने ज्ञान अंजन कर दिया, क्या कहूं, आनंद की अवधि नहीं है अब तो। सदगुरु की कृपा से, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, अब फ्रेंड्स एंड फैमिली, फन एंड फ्रॉलिक, मील्स एंड रील्स, पब एंड क्लब, सबको ब्लॉक कर दिया। बस अब तो सिर्फ आत्मा में ही रमणता करनी है, अब जग में रहना ही नहीं है। आप सब भी आ रहे हो ना इस खंदे जग को देखकर, आप सब भी आ रहे हो ना हमारे पास, इंतजार रहेगा आपका। लगनी लागी छे वो अग्नि जागी छे, तारा मिलन नी प्रभु।